तो भाई ये आप लोग चेक करें, 93 की सबसे पहली गाड़ी हम लोग को जो है मिली है, और इस गाड़ी की लाइटिंग आप जरा जो है वो चेक करें, फुल DRL पुलिस लाइट, और नीचे जो है वो नियॉन लाइट जो कहलाती है वो भी लगी हुई है, रूफ पे भी लाइट लगी हुई है, यानी कि फुल जो ठीक है। ये गाड़ी कितने की सेल हुई आपके पास? ये गाड़ी हमारी 360 में सेल हुई है, ठीक है, 360,000 गई है। 2001 का ये मॉडल है, ये गाड़ी भी जो है वो आप लोग देख लें। 2017 की बोलान हम लोगों को जो है वो मिल चुकी है, तो ये गाड़ी जो है हम लोगों को मिल गई है। 2009-2010 का ये मॉडल है, यानी कि 2009 की गाड़ी है, 2010 की रजिस्ट्रेशन है गाड़ी जो है ये। 2013 का ये मॉडल है, तो ये गाड़ी भी जो है वो आप लोग देख लें, हो चुके हैं। 2006 की एक और बोलान हम लोगों को मिल गई है, तो कोशिश करेंगे भाई ये गाड़ी भी जी। दोस्तों सुबह से हो गई है शाम, तो भाई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अभी जो है वो काफी ज्यादा हमने गाड़ियां छाड़ी हैं, तो जो है वो ऐड कर ली है, लेकिन बुलान वाले भाइयों की भी हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि एहसन भाई सारी गाड़ियों की डाल लो, ट्रकों की डाल लो, सबकी डाल लो, बुलान वाली साइड पे भी आ जाया करो। तो भाई आज मैंने सोचा ये है कि भाई अब बुलान की भी एक पार्ट जो है वो हम लोग हाथ के हाथ बना लेते हैं, तो अभी जो है वो स्टार्ट करता हूँ फटाफट वीडियो को। टाइम काफी कम रह गया है, मगरिब की अजान होने वाली है, तो जितनी हो सके ये गाड़ियाँ जो है वो इस पार्ट में ऐड हो जाएंगी। तो वह स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहली गाड़ी हम लोग को जो है वो कौन सी मिलती है। हाँ तो जी दोस्तों, 2017 की बुलान हम लोग को जो है वो मिल चुकी है, तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग चेकआउट करें। बहुत अच्छे से जो है भाई ने बिल्कुल चमका के रखी हुई है, इंटीरियर वगैरह हर चीज़ जो है वो गाड़ी की अच्छी सी आप लोगों को मेंटेन नज़र आ रही होगी। साइडों पे जो है वो गार्ड लगे हुए हैं, फ्रंट साइड पे जो है वो गार्ड लगे हुए हैं, यानी कि चारों तरफ जो है वो गाड़ी के गार्ड वगैरह जो है लगाए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी की ग्रिल्स वगैरह की, तो क्रोमिक ग्रिल्स वगैरह आप लोगों को लगी हुई नज़र आ रही होंगी, क्रोमिक व्हील कप वगैरह जो है वो गाड़ी के ऊपर लगे हुए हैं। सो फ्रंट से तो दोनों साइडों से मैंने आप लोगों को जो है वो गाड़ी दिखा दी, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। अब गाड़ी की जो है वो बैक साइड भी एक नज़र जो है वो देखते हैं कि बैक साइड से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। तो ये आ गए भाई हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे, तो बैक साइड से भी जो है वो आप लोग चेकआउट करें। बैक साइड पे भी अच्छी खासी एसेसरीज वगैरह जो है इन्होंने लगाई हुई है, ऊपर जो है वो लाइट वगैरह लगी हुई है, और इसी तरीके से साइड पर एंटीनास वगैरह हर चीज़ जो है वो गाड़ी की इन्होंने मेनटेन कर रखी है, यानी कि गाड़ी को लुक जो है वो काफ़ी अच्छा सा दे दिया है। तो चलते हैं यहाँ से, एक लुक जो है वो गाड़ी का आप लोगों को दिखाते हैं कि गाड़ी किस तरीके से जो है वो अंदर से मौजूद है। तो ये आप लोग जो है वो चेकआउट करें, पूरा जो है वो बैक पे आप लोगों को साउंड सिस्टम इसके अंदर जो है वो मौजूद है, पूरा बुफर शूफर लगे हुए हैं, स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, और इसी तरीके से अगर आप लोग अंदर चले जाएं तो यहाँ पर पूरी सीट्स वगैरह हर चीज़ जो है इन्होंने इसी तरीके से अपनी मेंटेन कर रखी है मैचिंग की। अब फ्रंट से चल के गाड़ी में आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ कि भाई फ्रंट साइड से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। सो ये आ गए भाई हम गाड़ी की ड्राइविंग साइड पर, ड्राइविंग साइड वगैरह भी गाड़ी की जो है वो आप लोग चेकआउट करें। तो यहाँ पीछे हमारे भाई ज़रा गाने वाने जो है वो चल रहे हैं, एक भाई को गानों का शौक चढ़ा हुआ सुने आ रहे हैं। तो ये आप लोग जो है वो देख लें, दरवाजे वगैरह भी यहाँ से क्लियर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, नीचे की साइड वगैरह से भी देख लें गाड़ी को, और इसी तरीके से फ्रंट की साइड वगैरह भी जो है वो गाड़ी की पूरी अच्छी सी जो है इन्होंने मेनटेन कर रखी है। ऊपर जो है इन्होंने डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा हुआ है, MP3 प्लेयर लगा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नीचे रबर शीट वगैरह डली हुई है। अब चलते हैं जो भाई हैं गाड़ी के, जो ऑनर हैं गाड़ी के, उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं भाई उन्होंने इस गाड़ी की क्या डिमांड रखी है और गाड़ी कितने तक की जो है वो छोड़ देंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं फैसल भाई, जिनकी ये गाड़ी है। सर आपकी गाड़ी तो जो है वो दिखा दी गई है, बाकी गाड़ी बताएं कैसी है चलने में सर की। सर माशाल्लाह से बहुत अच्छी गाड़ी है, हल्के टचअप का गाड़ी है, अंदर बाहर पूरी जेन्युइन है, ठीक है, गियर भी सील्ड है, इंजन भी सील्ड है, माशाल्लाह से फर्स्ट ओनर गाड़ी है, गाड़ी में रुपये का भी काम नहीं है, ठीक है। 2017 की ये गाड़ी है, और चली भी कितना है ये गाड़ी? 14,000 ये चली हुई है। तो भाई 14,000 गाड़ी चली हुई है, बाकी चना भी तकरीबन सारी चीज़ें आप लोगों को भाई ने जो है बताई हैं। और सर डिमांड क्या रखी है आपने गाड़ी की? इसकी मैं मांग रहा हूँ सर डिमांड 8,70,000 रुपये। 8,70,000 रुपये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी गाड़ी बिल्कुल क्लियर है, हर चीज़ टैक्स वैक्स पेपर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। 8,70,000 रुपये, तो 8,70,000 रुपये जो है गाड़ी की डिमांड, 2017 का मॉडल है। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो भाई को आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर अपना नंबर बताइएगा। 0346-2346-2346-102-102। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मजीद मालूम वाले। तो भाई ये आप लोग चेक करें, 93 की सबसे पहली गाड़ी हम लोग को जो है मिली है, और इस गाड़ी की लाइटिंग आप जरा जो है वो चेक करें, फुल DRL पुलिस लाइट, और नीचे जो है वो नियॉन लाइट जो कहलाती है वो भी लगी हुई है, रूफ पे भी लाइट लगी हुई है, यानी कि फुल जो है इन्होंने अच्छी सी जो है वो मेंटेन कर रखी है गाड़ी, अच्छी सी लाइटिंग शाइटिंग कर रखी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना पुराना मॉडल और उसको इन्होंने इस तरीके से जो है वो गाड़ी को बनाया है। तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग चेकआउट करें, साइडें वाइडें जो है वो गाड़ी की आप लोग देखें, यहाँ पर कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स वगैरह गाड़ी पे जो है वो नज़र नहीं आ रहे। इसके बाकी रिम्स वगैरह की अगर बात की जाए तो नीचे आप लोग जो है वो चेकआउट करें, नीचे आपको क्रोमिक जो है वो व्हील कवर वगैरह जो है इन्होंने डाल रखे हैं। बाकी अंदर से साइडों वगैरह की बात करें, साइडें वगैरह जो है वो आप लोग देख लें, नीचे की साइडें वगैरह देखें, पूरी रबर मैटिंग वगैरह हुई हुई है गाड़ी के अंदर, ऊपर वाली साइडें क्लियर हैं। और इसी तरीके से अगर हम कब्जों वगैरह की बात करें तो कब्जे वगैरह भी आप लोग यहाँ पर जो है वो देखें। बैक साइड देखते हैं गाड़ी की, भाई बैक साइड से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। सो ये आ चुके हैं हम लोग गाड़ी की बैक साइड पर, बैक साइड से भी गाड़ी को जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें।
किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल रही है। तो ऊपर इन्होंने लाइट वाइट लगाई रखी है इमरजेंसी वाली, बाकी आप नीचे की साइडें वाइडें देखें, बैक साइड पे जो है वो गार्ड वगैरह लगा हुआ है, पीछे से टिंटेड है, अच्छा सा शेड वगैरह लगा हुआ है, उस्मान भाई का नाम लिखा हुआ है पीछे। और इधर आ जाते हैं हम लोग बाकी ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड भी जो है वो गाड़ी की आप लोग चेकआउट कर लें, ड्राइविंग साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल रही है। यहाँ हमारा थोड़ा सा जो है वो बैटरी जो है वो ख़त्म होती आ रही है चीज़ों की आपके हाथ, तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो ये नज़र आया होगा। बाकी आप लोग यहाँ से भी जो है वो चेकआउट करें, बाकी इंटीरियर वगैरह मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ इंटीरियर से गाड़ी जो है वो किस तरीके से है। तो यहाँ से भाई हमने डिग्गी वगैरह खुलवा ली है गाड़ी की, और ये आप लोग जो है वो चेकआउट करें, ऊपर की साइडें वगैरह भी देखें। बाकी इसके अलावा हम गाड़ी की बैक साइड पर आते हैं, तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो है वो बुफर शुफर जो है वो लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, साउंड सिस्टम वगैरह डले हुए हैं। और यहीं से आप जब इंटर होते हैं गाड़ी के अंदर, तो ये आप लोग जो है वो चेकआउट कर लें। गाड़ी के अंदर पूरा जो है वो लाइटिंग शाइटिंग लगी है, चारों तरफ गाड़ी के फैन लगे हैं, और सीट्स वगैरह हर चीज़ जो है वो गाड़ी की इन्होंने मैचिंग की बनाई हुई है। अब चलते हैं आप लोगों को फ्रंट साइड से जो है वो दिखा देते हैं थोड़ा सा कि भाई किस तरीके से है। तो ये भी आप लोग जो है वो देख लें, यहाँ से आप लोगों को सीटें वगैरह बिल्कुल पन्नी पैक वाले जो सीन होता है ना उस तरीके से सीट्स रखी हुई हैं इन्होंने। बाकी यहाँ पर भी देखें, नीचे वाली साइडें भी देखें, और यहीं से हम गाड़ी का आप लोगों को डैशबोर्ड वगैरह भी चेक करवाते हैं। तो डैशबोर्ड वगैरह आप लोग चेक कर लें, फुल पुलिस लाइट के जो है वो शश के आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। MP3 प्लेयर लगा हुआ है गाड़ी में। नीचे वाली साइड की अगर बात करें, यहाँ पर रबर मैट्स वगैरह लगे हुए गाड़ी में, सीट्स वगैरह फ्रंट की भी उसी तरीके से हैं, पूरी जो है वो मेनटेन है। बाकी यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, यहाँ से भी दरवाजे वगैरह जो है वो गाड़ी के आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल रहे हैं। चलते हैं अब जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे इनके बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई, उस्मान भाई की जो है ये गाड़ी है। उस्मान भाई माशाल्लाह से खर्चा तो ठीक ठाक कर दिया गाड़ी के ऊपर, सर क्या हिसाब किताब है गाड़ी का? सर इसकी डिमांड 4 लाख रुपये रखी है, और ये कि कोई कमी बेशी कर देंगे, लेने वाला इंटरेस्ट जो लेगा उसके। ठीक है, 4 लाख 4 लाख रुपए। तो भाई 4 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड रखी है इन्होंने। गाड़ी जो है वो आप लोगों ने देख ली, पूरा इंटीरियर वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और इसके अलावा अगर बॉडी वाइज ऊपर से बात करें तो बॉडी वाइज भी आप लोगों ने जो है देख ली होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके इंजन या सस्पेंशन में भी कोई काम है? इंजन बिल्कुल ओके है और सस्पेंशन भी ओके है माशाल्लाह गाड़ी की। और गाड़ी अभी तकरीबन 2-3 दफ़ा हैदराबाद गई है, और अभी लॉन्ग रूट पे भी लेके जा रहा हूँ, और सकता शक्कर भी चले आऊँ मैं कल या परसों, शक्कर जाने का इरादा है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग रूट पे गाड़ी आप चलती है, कोई मसला तो नहीं है सर? यानी कि कोई फैमिली वाला बंदा लेता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं? फैमिली में यूज़ कर रहा हूँ। क्या बात है सर। तो भाई ये देख लें आप लोग, फैमिली यूज़ वाली जो है वो गाड़ी है। बाकी भाई ने सारी डिटेल्स वगैरह तो गाड़ी के बारे में बता दी, इसके अलावा भी कोई चीज़ पूछना चाहें भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस्मान भाई नंबर 03122050807। ठीक है, ये उस्मान भाई का नंबर है, इसके बारे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद मालूम ले सकते हैं, देख कहाँ सकते हैं गाड़ी उस्मान भाई? औरंगी टाउन। तो औरंगी टाउन में ये गाड़ी आप विजिट कर सकते हैं, जाने शुक्रिया। हाँ तो जी दोस्तों, आगे बढ़ चुके हैं, 2006 की एक और बलान हम लोग को मिल गई है, तो कोशिश करेंगे भाई ये गाड़ी भी अच्छे से देखने। तो इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो साइड वाइड आप लोग जो है वो चेकआउट करें, ऊपर जो है वो पूरा कैरियर वगैरह जो है वो लगा हुआ है, जिसको हम लोग जंगला भी बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल जबान में अगर आप लोग बात करें। बाकी बैक साइड की अगर बात की जाए, देखें बैक साइड वगैरह से गाड़ी आप लोग को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होगी। बाकी हम बात करें गाड़ी की ड्राइविंग साइड की, तो ड्राइविंग साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देखें, ड्राइविंग साइड से भी गाड़ी आप लोगों को क्लियरली जो है वो नज़र आ रही होगी। चलते हैं चल के गाड़ी की जो है वो एक नज़र फ्रंट साइड भी देखते हैं, फ्रंट साइड से गाड़ी जो है वो किस कंडीशन में मौजूद है। सो ये आ गए भाई हम लोग गाड़ी की फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड से भी जो है वो गाड़ी आप लोग देखें क्लियरली आप लोग को जो है वो नज़र आ रही होगी। तो ओवरऑल यानी कि क्लियर है, नीचे जो है इन्होंने गार्ड टाइप जो है वो गार्ड है ना, ये बहुत नीचे सबसे नीचे वाला लिफ्ट, अच्छा ये लिफ्ट लगवाया आपने, तो जैसा आप लोगों ने गाड़ियों में लिफ्ट वगैरह लगे हुए देखेंगे ना बॉडी किट, उस तरीके से इन्होंने लिफ्ट वगैरह गाड़ी के अंदर जो है लगवाया हुआ है। अब इसका इंटीरियर वगैरह देखते हैं, गाड़ी का इंटीरियर जो है वो आप लोगों को किस तरीके से जो है मिलता है। तो ये आ गए भाई हम इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में आप लोग दरवाजे वगैरह जो है चेक कर लें। अच्छा बराबर में गाड़ी चल रही है, थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, लेकिन कोई नहीं, बर्दाश्त करें थोड़ा सा। बाकी अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर जो है वो आप लोग देखें, डैशबोर्ड वगैरह क्लियर आप लोग को जो है वो नज़र आ रहा होगा, और इसके अलावा सीट्स की अगर बात करें तो सीट कवर्स वगैरह भी जो है वो आप लोग देख लें। बाकी बैक साइड का भी मैं इसी तरीके से जो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ से भी जो है वो गाड़ी आप लोग देखें, तो पूरा यहाँ से जो है वो देख लें। और अच्छा डुअल एसी वाली है ना ये, अच्छा वर्किंग में एसी इसका, तो डुअल एसी वाली यहाँ पर जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें। तो जो भी भाई हमारे जो बोलते हैं ना कि भाई एसी वाली दिखे तो वो भी दिखा दिएगा, तो एसी भी जो है वो गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। बाकी आप लोग यहाँ पर जो है वो देख लें, बैक साइड की सीट भी इस तरीके से जो है वो मौजूद है। बस अब चलते हैं जो गाड़ी का ऑनर है उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं वो गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं। हाँ तो जी फहद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फहद भाई आपकी गाड़ी तो जो है वो दिखा दी गई है, फहद भाई बाकी मुझे बताएं गाड़ी कैसी है चलने वगैरह में? बिल्कुल 0 मीटर, 2022 की तरह है।
इंजन सस्पेंशन बिल्कुल ओके, कोई काम नहीं ओके। अच्छा ऊपर से कलर वगैरह आपने खुद करवाया? कलर मैंने खुद करवाया। खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट वगैरह? कोई एक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, क्या डिमांड कर रहे हैं सर गाड़ी की? ये 4,85,000। 4,85,000 रुपए। तो भाई 4,85,000 रुपए गाड़ी की डिमांड है। 2006 का ये मॉडल है गाड़ी, ओवरऑल आप लोगों ने देख ली है। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर, अपना नंबर बस 0314 0314 2016 2016 472 472। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मजीद मारवा। शुक्रिया। हाँ तो जी दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो एक और बुलान हम लोग को मिले। ये 2013 का ये मॉडल है, तो ये गाड़ी भी जो है वो आप लोग देख लें, फुल गार्ड वार्ड लगा हुआ है गाड़ी पे, साइडों पे भी लगा हुआ है, फ्रंट साइड पे लगा हुआ है। इसके अलावा अगर गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी में आप लोग को ओवरऑल जो है वो एक नज़र दिखा देता हूँ। तो आप लोग दरवाजे वगैरह जो है वो गाड़ी के चेक करें, यहाँ से कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स वगैरह गाड़ी पे नज़र नहीं आ रहे होंगे, बाकी हल्का सा एक यहाँ पर है। उसके अलावा जो है वो गाड़ी क्लियर है। इसका गेट बंद करके जो है वो बैक साइड का फेंडर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो यहाँ से भी जो है वो देखें तो पूरे स्टिकर्स वगैरह जो है वो लगे हुए गाड़ी पे। और इसी तरीके से अगर हम गाड़ी की बैक साइड की बात करें तो बैक साइड से भी आप लोग चेक करना है, बैक साइड पे भी गार्ड वगैरह जो है वो लगा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और इसी तरीके से गाड़ी की रूफ वगैरह भी आप लोग यहाँ से एक नज़र देखना है। तो यहाँ से तो गाड़ी मैंने आप लोगों को जो है वो दिखा दी है, बाकी इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की गाड़ी की। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें किस तरीके से गाड़ी जो है वो आप लोगों को मिलती है। तो यहाँ से साइडें वगैरह जो है वो आप लोग चेकआउट करें, बाकी इंटीरियर वगैरह हम लोग आपको दिखाते हैं भाई किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। तो इंटीरियर में अगर बात करूँ तो वाइट एंड ग्रीनिश टाइप जो एक शेड आता है उसमें जो है इन्होंने बनाई है, फ्रोजी टाइप जिसको हम बोलते हैं। तो ये आप लोग जो है वो चेकआउट कर लें, बाकी इसी तरीके से दूसरी साइड से भी देखें। अच्छा रूफ़ वगैरह की अगर बात की जाए तो पूरी रूफ़ भी जो है वो गाड़ी की इसी तरीके से जो है इन्होंने मेनटेन करी है। तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आप लोगों को दिखा दूँ, बाकी इंटीरियर फ्रंट का भी दिखाता हूँ। फ्रंट से भी जो है वो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से दरवाजे वगैरह आप लोगों को क्लियर मिल रहे हैं, गत्ते वगैरह देख रहे हैं। बाकी इसके अलावा हम लोग बात करें अगर गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की, तो डैशबोर्ड वगैरह भी इन्होंने पूरा कवर वगैरह लगाया हुआ है, और सीट्स फ्रंट्स की भी उसी तरीके से जो है वो पूरी मैचिंग ही बनी हुई है। तो बस अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर, उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा भाई। उसामा भाई की ये गाड़ी है। सर गाड़ी तो ओवरऑल जो है वो दिखा दी गई है, बाकी मुझे बताएं सर ये गाड़ी चलने में कैसी है? चलने में इसकी बेहतरीन वर्किंग है, ठीक है। इंजन या सस्पेंशन में कोई काम इस गाड़ी का? कोई काम गाड़ी में नहीं है, ठीक है। अच्छा बॉडी वाइज अगर हम बात करें तो बॉडी वाइज क्या हिसाब है? गाड़ी बाहर से शावर है, ठीक है, अंदर से पूरी जेन्युइन है। बाहर से ऊपर से शावर है और अंदर से गाड़ी पूरी जो है वो जेन्युइन है। क्या डिमांड रखी है सर आपने गाड़ी की? डिमांड रखी 7,00,000 रुपए। 7,00,000 रुपए। चली हुई कितना है ये गाड़ी? चली हुई है तकरीबन ये 42,000। सो ये सारी डिटेल्स हैं गाड़ी की। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप भाई को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अपना नंबर शेयर कीजिए 03162310334, ठीक है। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात दे सकते हैं। शुक्रिया। हाँ तो जी दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी एक और गाड़ी हम लोग को मिल गई है। 2009-2010 का ये मॉडल है, यानी कि 2009 की गाड़ी है, 2010 की रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें, फ्रंट साइड से ग्रिल वगैरह चेक करें, फ्रंट पे जंगला वगैरह जो है गाड़ी में लगा हुआ है, अलार्म्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो डले में हैं। बाकी चलते हैं गाड़ी को जो है वो देख लेते हैं एक राउंड किस तरीके से जो है वो गाड़ी आप लोगों को मिल रही है। तो साइडें वाइडें आप लोग चेकआउट करें। अच्छा जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे बातचीत हुई, बता रहे हैं भाई गाड़ी जो है वो पूरी ओरिजिनल है। बाकी जो है वो वीडियो में मैं आप लोगों को गाड़ी जो है वो दिखा रहा हूँ, बैक साइड वगैरह भी चेक कर लें, दोनों लाइट्स वगैरह जो है वो गाड़ी की देख लें। इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आप लोगों को यहाँ से जो है वो दिखा देते हैं। यहाँ से जो है वो गाड़ी आप लोग देख लें, पूरी क्लियर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो ओवरऑल कोशिश ये होती है अपनी तरफ से अच्छे से जो है दिखाऊँ, बाकी जो चीज़ समझ में ना आया करें जो ऑनर है गाड़ी के उनसे पूछ लिया करें, या तो कमेंट करके मुझसे ही पूछ लिया करें कि भाई क्या हिसाब किताब था गाड़ी का। तो सीट्स वगैरह भी अंदर से जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें। तो बस अब रात होने लगी और अंधेरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार चलो जो गाड़ियाँ कवर हो सकें आप लोगों को जो है वो गाड़ियाँ दिखा दी जाएँ। तो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, बाकी हम फ्रंट का इंटीरियर देखते हैं गाड़ी का। तो फ्रंट से डैशबोर्ड वगैरह जो है वो गाड़ी का आप लोग देख लें, MP3 प्लेयर वगैरह लगा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा बात करें गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी आप लोग यहाँ से जो है वो एक नज़र देखें, नीचे वाली साइडें वगैरह भी यहाँ से जो है वो देख लें, बाकी कब्जे वगैरह यहाँ से जो है वो देखें गाड़ी के। तो ओवरऑल गाड़ी यानी कि मैंने आप लोगों को यहाँ से भी दिखा दी है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड हुआ। अभी मेरे साथ मौजूद हैं तौकीर भाई। तौकीर भाई की गाड़ी है। तौकीर भाई गाड़ी तो ओवरऑल जो है हमने दिखा दी, 2009-2010 का मॉडल है, कैसी गाड़ी है सर ये? सर गाड़ी जेन्युइन है, फुल जेन्युइन हालत में, और CNG और पेट्रोल पे स्लफ स्टार्ट है, और फर्स्ट ओनर है कंपनी के बाद, फर्स्ट ओनर है। 7-20 बोल रहे हैं इंशाल्लाह, साथ में 7 तक छोड़ देंगे अगर आपके चैनल के थ्रू कोई आया इंशाल्लाह और गुंजाइश, ठीक है। यानी कि भाई अगर देखने हमारे चैनल के थ्रू आएंगे तो क्या पता आप लोगों को और गुंजाइश जो है वो गाड़ी में मिल जाए। बाकी सर कोई काम तो नहीं है गाड़ी में? नहीं इंशाल्लाह, इंजन वाइज हर चीज की इंशाल्लाह गारंटी है, हर चीज की जो है वो गारंटी है। बिल्कुल घर की गाड़ी यूज की है,
ठीक है, नंबर भी ऐड कीजिएगा। 0316-3238-016 ठीक है, ये कायदाबाद की रहिशी, हैदराबाद, क्या कायदाबाद, 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 कायदाबाद में कहाँ देख सकते हैं? मुर्गीखाना स्टाफ के पास आप आ जाए, इस जगह पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। बाकी भाई का नंबर तो हमने मलिर कायदाबाद है, अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज्यादा गाड़ी। हाँ तो जी दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी एक और बुलान हम लोग को मिल गई है। 2001 का ये मॉडल है, ये गाड़ी भी जो है वो आप लोग देख लें। तो हमारे जितने भी हजरात थे जो बोल रहे थे एहसन भाई आप आगे आगे के मॉडल दिखाते हो पीछे के मॉडल नहीं दिखाते, तो भाई देख लो मिक्स लेके चलाऊं, ना ज्यादा आगे के दिखाएं ना ज्यादा पीछे की जो है वो गाड़ियां दिखाएंगे। ये गाड़ी आप लोग जो है वो देखें, अलर्म वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो डले हुए हैं। बाकी चलते हैं, चल के गाड़ी का एक राउंड जो है वो देखते हैं कि गाड़ी आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। और इस टाइम जो है वो हमारे मोबाइल की टॉर्च भी ऑन हो गई, और ये मुझे नहीं पता कि भाई मोबाइल में चार्ज जो है वो कितना बाकी है, वह किसी भी टाइम जो है मोबाइल बंद होने वाला होगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो देखने बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियरली जो है वो नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी गाड़ी मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो दिखाता हूँ। तो ये वाली साइडें भी जो है वो आप लोग चेकआउट करें, यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को क्लियरली जो है वो नज़र आ रही होगी। बाकी चलते हैं अंदर का इंटीरियर वगैरह देखते हैं इंटीरियर से किस तरीके से है। तो इंटीरियर आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें, सीट्स वगैरह जो है वो गाड़ी की देखें, बाकी बैक साइड की सीट भी जो है वो आप लोग देख लें। और हम इसी तरीके से अगर आ जाते हैं फ्रंट साइड पर, तो सबसे पहले आप लोग दरवाजे वगैरह यहाँ से जो है वो देखें, और उसके बाद जो है हम गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह भी देखें। डैशबोर्ड वगैरह यहाँ से जो है वो आप लोग देख लें, फ्रंट साइड की सीट्स वगैरह जो है वो गाड़ी की आप लोग देख लें। तो कम्प्लीटली गाड़ी मैंने आप लोगों को जो है वो दिखा दी। अब चलते हैं जो ऑनर हैं उनसे लेके बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं, गाड़ी कितने की दे। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई की जो है ये गाड़ी है, अब्दुल्ला भाई गाड़ी तो ओवरऑल दिखा दी, 2002 का मॉडल और 2001 का मॉडल, 2001 का मॉडल है। क्या हिसाब किताब है सर इसका? सर इसकी डिमांड है 380 की डिमांड है, सीएनजी इसमें लगी हुई है, बाकी वेरिफिकेशन वगैरह हर चीज से फाइल वगैरह से ओके है, बिल्कुल ये ठीक है, क्लियर है। सस्पेंशन या इंजन में कोई काम? इंजन में देखो हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं है, बाकी जो व्यूअर्स वगैरह अगर लेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से जारी बात चेक करवा के लेंगे, चेक करवा के मैकेनिक को पहले चेक करवा के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बॉडी वाइज अगर हम बात करें, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट वगैरह? एक्सीडेंट वगैरह इसमें नहीं है, बाकी इतना पुराना मॉडल है, हाँ थोड़ा बहुत गला हुआ कहीं से अगर होता है तो फिर वो अपने हिसाब से बनती है। बॉडी वाइज वैसे मैंने गाड़ी जो है वो दिखा दी गई है। आपने क्या डिमांड बताई सर इसकी? सर डिमांड इसकी है 380 की। 380 तो 380 जो है वो गाड़ी की डिमांड है। बाकी इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर अपना नंबर ऐड। बिल्कुल मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 12-25-25-0-0-2-2-5-5-1-0-1-0। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूम ले सकते हैं। अच्छा बॉस एक मुझे लास्ट में ये भी बता दिएगा, ये वाली गाड़ी कौन सा मॉडल थी? ये 94 मॉडल नंबर था इसका। ठीक है, ये गाड़ी कितने की सेल हुई आपके पास? ये गाड़ी हमारी 360 में सेल हुई है। ठीक है, 360,000 रुपए में कोई काम वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके, 0 मीटर वो बनी हुई है, सेल हो शावर वगैरह हर चीज ओके है। तो भाई ये देख लें ये गाड़ी भी जो है वो सेल हो चुकी है। तो ये पूरी नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बस ऐसे ही ऐसे दिखा रहा हूँ कि भाई देख लो कि हाँ भाई ये गाड़ी भी सेल हो चुकी है। चलें जी शुक्रिया। सो फाइनली दोस्तों ये थी बुलान की वीडियो, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इतनी ज्यादा बुलान मैं ऐड नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी यार जो गाड़ियां ऐड कर सकता हूँ वो कर लूँ। अभी सीन ये है कि बैटरी बिल्कुल रेड हो चुकी है, यानी कि अब मैं वीडियो नहीं बना सकता, बस ये एंड कर रहा हूँ। अब क्या पता एंड करते करते ही जो है वो मोबाइल बंद हो जाए। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो जिन भाई की भी रिक्वेस्ट थी बुलान की, जिन्होंने बोला था कि भाई थोड़े नॉर्मल पीछे के थोड़े आगे के मिक्स जो है वो मॉडल जो है वो ऐड कर लीजिएगा, तो ये मैंने आप लोगों को सारी गाड़ियां जो है वो दिखा दी हैं। बाकी अगर किसी भाई की रिक्वेस्ट रह गई है तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि नेक्स्ट आने वाले संडे पे जो है वो काम किया जाए उसका रिक्वेस्ट पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले संडे। सो भाई टाइम हुआ है 6:13 और सूरज जा चुका है, और ये चेक कर रहे हैं हम अभी कहां मौजूद हैं। हमारे जान परेशान है, सब भाई सब परेशान है भाई। ये भाई एहतजाज चल रहा है, एहतजाज चल रहे भाई, सब लोग होशियार हो गए। किधर आ जाओ यार, करीम भवानी जो है ना बहुत परेशान है यार, आजकल एक गाड़ी नहीं बिका 2 महीने हुआ सर। गाड़ियां नहीं बिक रहा, क्यों नहीं बिक रहा पता नहीं यार। लो जी भाई ये पूछ भी किससे किससे बचवा रहे हो, इसको खुद नहीं पता। गाड़ी भी हमारे को मिल रहा नहीं और सही गाड़ी लोग लेता नहीं है, तो एक्सीडेंट गाड़ी मिल नहीं रहा इसकी वजह से नहीं बिकते हमारा गाड़ी। क्यों इसकी शक्ल में ऐसा क्या यार, आज मैं मार्केट में आया सर, मार्केट में है ना, आज हमारे जैसे गाड़ी मिले से अलग क्या है ना। ये इसकी गलती है, दुकान छोड़ के आया। चलो भाई खैर यहाँ मस्ती मजाक तो चलता रहेगा, ये अभी हम शाम में यहाँ पर आए। चलो भाई दुआ करो हमारा जो एक्सीडेंट गाड़ी मिले कि हम इसको बनाए खूबसूरत बनाए और फिर आगे इसको भेजे, लोग सही गाड़ी लोग नहीं देते। तो भाई तो यहाँ पर भाई सबसे अच्छा गाड़ी इससे लाया था, अभी तक नहीं बिका। चलो जी अब यहाँ इस वीडियो को खत्म करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर और ढक्कन बंद।